दोस्तों देख सकते हैं सुबह के 7 बजे के सूरज के दर्शन आप कीजिए, क्योंकि अभी सूरज पूरी तरह से ऊपर आया भी नहीं है और सुबह के 7 बज रहे हैं और ये आपके सूरज देवता हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों लॉफ्ट की तरफ, और हम आ चुके हैं लॉफ्ट की तरफ दोस्तों, जिसमें अभी सारे कबूतर बंद हैं। तो दोस्तों खोलते हैं अपने कबूतरों को, निकालते हैं उन पट्ठों को जो अपन उड़ाने जाने वाले हैं, और अपन अपने पट्ठों के साथ में आज एक नया दुबाज भगाने वाले हैं दोस्तों, जो मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा दुबाज निकलने का। और मेरे लॉफ्ट में दुबाज बच्चे निकले भी हैं, जिनमें से दोस्तों एक बच्चा पट्ठा है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है और 10वीं कली साफ कर रहा है। तो मैं उसको आज उड़ाने जाने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ कि जगह पर लौटता कि नहीं लौटता। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में दोस्तों। और दो सफ़ेद कबूतर निकाले, जिसमें एक मादी है मकुइन और एक नर है दोस्तों। वो ये दुबाज पट्ठा है दोस्तों, जो देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आपको 10वीं गली पास, 10वीं गली नहीं आ रही है, और इसको अपन आज पहली बार उड़ाने जा रहे हैं दोस्तों कबूतरों में। तो निकालते हैं दोस्तों बाहर और देखते हैं कि ये कबूतर वापसी लौटता कि नहीं लौटता। चलो 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 चलो। तो दोस्तों उड़ा देते हैं अपन और दिखाते हैं आपको कैसे उड़ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं अपन ने कबूतर भगा दिए हैं और चारों कबूतर ये जा चुके हैं दोस्तों ऊपर। और ये पट्ठा नया आप देख सकते हैं दुबाज, जो कबूतरों में सीधा ऊपर गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों चारों कबूतर सीधे ऊपर गए, और नया पट्ठा दुबाज जिसको मैंने आपको दिखाया था पहली बार उड़ा रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि ये इन कबूतरों में कितनी देर उड़ता है और घर वापसी लौटता है कि नहीं लौटता, क्योंकि फर्स्ट टाइम की उड़ान है इसकी। और अपन देख रहे हैं कि ये पहली बार में ही कबूतरों में सीधा ऊपर गया है और रुका भी नहीं है। और कबूतर ये सारे जो मैंने उड़ाए हैं दोस्तों, ये कम टाइम वाले कबूतर उड़ाए हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं करते हुए कबूतर जल्दी उतरेंगे। तो क्योंकि पहली उड़ान है दोस्तों, तो अपन ज़्यादा देर कबूतरों में उसको नहीं खींच सकते हैं, तो अपन ने कम उड़ान वाले कबूतरों में उड़ाया उसको। और बने रहिए दोस्तों वीडियो में और देखते हैं कब तक ये कबूतर उड़ता है और कितनी देर में लौटता है। तो ये सारी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों। देख सकते हैं तीनों कबूतर ये हैं उड़ रहे हैं तीनों, और बाकी जो दुबाज बच्चा है वो कबूतरों से हट चुका है और लंबा जा चुका है। तो तीन कबूतर आपको दोस्तों दिख रहे होंगे, तो थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये आपको कबूतर दिखाई दे रहे होंगे ये, और जो दुबाज बच्चा है दोस्तों वो हट गया है कबूतरों से, और वो ये उड़ रहा है दोस्तों सामने काफ़ी ऊंचाई पर, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आ रहा है दोस्तों ये। तो ये कबूतरों से अलग हट चुका है और अलग अलग कबूतरों से उड़ रहा है, और मेरे कबूतर दोस्तों जो उड़ने वाले थे वो लग चुके हैं आसमान। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये गया। तो दोस्तों पहली उड़ान है और कैसा उड़ता है कि आप लोग देख ही रहे हैं, और मेरे कबूतर दोस्तों आसमान लग चुके हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे तीनों, और ये बहुत तेज़ी कर रहा है दोस्तों, और काफ़ी दूर तक निकल गया वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आ रहा है काफ़ी तेज़ी कर रहा है दोस्तों और लंबा लंबा उड़ रहा है, क्योंकि पहली उड़ान है। और यही अपन चेक करना चाह रहे थे कि पहली उड़ान में दोस्तों जो बच्चा घर बैठता ही नहीं बैठता। तो दोस्तों उड़ने देते हैं इसको और इंतजार करते हैं इसको उतरने का। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत नीचे आ चुका है, कोई नया कबूतर इनके साथ में मिल गया है और तेज़ी कर रहा है दोस्तों, और इस तरीके से तेज़ी कर रहा है दोस्तों कि बैठ ही नहीं रहा है। और मेरे जो कबूतर थे दोस्तों वो देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, आसमान लग चुके हैं और काफ़ी ऊँचाई पकड़ चुके हैं तीनों कबूतर वो, और पता नहीं दोस्तों इसके साथ में कोई नया कबूतर आ गया है जो उड़ान कर रहा है और नीचे नीचे भटक रहा है। तो दोस्तों पहली फटक है, तो गुजारिश करता हूँ कि अभी ये आसमान नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे भटकेगा। और इस कबूतर को देख सकते हैं दोस्तों, तो ये कबूतर देख सकते हैं देखो दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, जो लाल चीना दिखाया था वो काफ़ी हद तक उड़ चुका है। और दोस्तों ये वो चीना है दोस्तों मैंने जो बहुत टाइम पहले पकड़ा था, और काफ़ी अच्छा उड़ रहा है और जगह पर उड़ता है दोस्तों। और ये कबूतर दोस्तों नया वाला दुबाज देख सकते हैं सामने जा रहा है और अच्छा उड़ रहा है दोस्तों। तो अब कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये जगह पर आता है कि नहीं आता है, और अभी तो फ़िलहाल कोई नया कबूतर इसके साथ में मिल चुका है और
उसके सामने उसके साथ नीचे नीचे उड़ रहा है दोस्तों, तो उसको दोस्तों उड़ने देते हैं अपन और वीडियो करते पॉज करके, वक्त ज़्यादा देर तक उड़ान दिखाते हैं तो दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है। तो दोस्तों अब इसको उतरते हुए दिखाएंगे और कंडीशन दिखाएंगे दोस्तों उसकी कैसी है, क्योंकि काफ़ी हद तक दोस्तों देख सकते हैं आप जगह पर ही है और जगह से हटके उड़ भी नहीं रहा है। और नया कबूतर दोस्तों के साथ में आ चुका है और देखते हैं इस नए कबूतर पकड़ने की कोशिश करेंगे कि उतरता ही उतरता। और बाकी दोस्तों दो कबूतर ये दिखाई दे रहे होंगे सफ़ेद आपको, जो काफ़ी ऊंचाई पर लगे और आसमान में, और ये दो कबूतर नहीं हैं दोस्तों, ये तीन कबूतर हैं। और इसमें आपको दिखाई था अपने चार कबूतर उड़ाए थे, तो फिलहाल के दोस्तों एक कबूतर नया आ चुका है जो कबूतर साथ में उड़ रहा है, नए कबूतर दो आचे साथ में, और बाकी दोस्तों अपने पुराने कबूतर जो लगे हुए हैं आसमान। दोस्तों ये दो बच्चा नीचे आ चुका है और बहुत तेज़ी कर रहा है नीचे आने के लिए, और मगर दोस्तों उसका अपन नहीं उतारेंगे, थोड़ी देर उड़ने देंगे, क्योंकि जितना ये उड़ेगा दोस्तों उतनी जगह को पहचानेगा। तो जब अपन देखेंगे कि बिल्कुल ज़मीन आप ये उतरने पर है, तब अपन अपने कबूतर खोल के दोस्तों उतार लेंगे इसको, और बड़ी तेज़ी से दोस्तों नीचे आ रहा है देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये दोबाज कबूतर है और बहुत ही प्यारे लगते हैं और दोस्तों उड़ते हैं दोबाज आप देख सकते हैं, मगर दोस्तों इसकी तेज़ी बहुत करने की आदत पड़ गई दोस्तों, तो तेज़ी कर रहा है दोस्तों, तो हो सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि दसवीं कली अभी इसकी आ रही है, नई कली है, तो हो सकता है दोस्तों दसवीं कली पूरी होने पर ही ये तेज़ी करना बंद करेगा, क्योंकि कुछ कबूतर तेज़ी तभी करते हैं दोस्तों तो दसवीं कली नहीं पास होती है और छोटी रहती है, तो हो सकता है दोस्तों दसवीं कली इसकी तभी फुल हो जाए, तब ये तेज़ी करना बंद कर दे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये नया कबूतर भी नीचे आ चुका है, और कोशिश करते हैं दोस्तों उसको अपन पकड़ें और आपको दिखाते हैं नया कबूतर पकड़ के, और अपने दोबारा कबूतर को भी उतारते हैं दोस्तों। मगर उससे पहले दोस्तों अपन बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे कि दोबारा कबूतर के साथ में ये नया कबूतर उतरेगा कि नहीं उतरेगा, क्योंकि देख सकते हैं अभी नीचे नीचे थे और काफ़ी ऊँचाई पकड़ ली है, और अगर मैं अपने कबूतर खोलता हूँ तो दोस्तों ये दोबारा कबूतर नीचे आ जाएगा और सफेद कबूतर ऊपर रह जाएगा। तो दोस्तों अपन इंतजार करेंगे इनके नीचे आने का कि ये दोनों काफ़ी हद तक नीचे आ जाए, फिर दोस्तों अपन कबूतर खोल के इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वाइट वाले कबूतर को, क्योंकि वाइट वाला कबूतर दोस्तों किसी और का है और अपना कबूतर सिर्फ दो बार है दोस्तों। और बाकी दोस्तों तीन कबूतर आपको वो आसमान में दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी ऊँचाई पकड़ चुके हैं और एक ही जगह पर उड़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों बराबर से उड़ रहे हैं और तेज़ी कर रहे हैं देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे को कुछ इसका और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कबूतर बहुत तेज़ी में उड़ते हैं, और तो मेरा सोच रहा था दोस्तों यही है, क्योंकि हो सकता है दसवीं कली छोटी है तो इस कारण ये कबूतर तेज़ी कर रहे हैं, मगर अपन इन कबूतरों की दसवीं कली पास होने का बड़ा होने का इंतजार करेंगे। और तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक दो बज आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं उन दो बज दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों जो मेरे लॉफ्ट के निकले हुए हैं दोस्तों, वो दो बज हैं दोस्तों ये उड़ रहा है जो अभी अपन ने सिर्फ दोस्तों एक ही पट्ठा उड़ाया है, बाकी अपन ने उड़ाए नहीं है, अपन चेक कर रहे हैं कि इन पट्ठों की नज़र कैसी है और ये जगह पर आते कि नहीं आते दोस्तों। देख सकते हैं दोनों कबूतर तेज़ी कर चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं, और वो भी कबूतर दोस्तों जो नया वाला है पीछे हटने का सवाल नहीं ले रहा है और बेहतरीन उड़ रहा है दोस्तों। दोस्तों अपने भी कबूतर ऊपर वाले नीचे आ चुके हैं और दिखाई दे रहे होंगे आपको वाइट से। तो दोस्तों अब आसमान में हो चुके हैं तीन वाइट और एक दोबाज, तो जो देख सकते हैं दोबाज तो ये जा रहा है, और वाइट कबूतर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गए दोस्तों, ये दिखाई दे रहे होंगे वाइट आपको चमकते हुए, वाइट चमक रहे होंगे दोस्तों, तो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे में साथ कैद हो रहा हो तो। हाँ दोस्तों ये दिखाई दे रहे होंगे वाइट, ये दो जा रहे हैं, और बाकी दोस्तों अपने चीना कबूतर था दोस्तों तो वो बंद हो चुका है आसमान में, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ऊँचाई पर है, चलो उसको कवर करेंगे दोस्तों जब वो नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। बाकी दोस्तों अपन दिखाते हैं वो कबूतर जो अपने उड़ रहे हैं इस समय, दोस्तों देख सकते हैं ये दो कबूतर हैं जो नया कबूतर उसमें कबूतरों में आ चुका है,
डोवाल के साथ में, जो काफ़ी हद तक उसके साथ में उड़ रहा है और लंबे लंबे कर रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं दोस्तों। तो रोकते हैं वीडियो यहीं और जब उतरते हैं तब आपको कबूतर दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं चारों कबूतर एक साथ मिल चुके हैं और अपने दो कबूतर वाइट वाले भी ऊपर से नीचे आ चुके हैं। और दोस्तों एक कबूतर तो बिल्कुल ही साथ में लगा हुआ है कबूतरों के, जो बराबर उड़ रहा है। और चारों कबूतर, तीन कबूतर दोस्तों ये हैं, जिसमें एक दोबाज है, एक नया कबूतर है और एक अपना कबूतर है दोस्तों, जो इनके साथ में उड़ रहा है। और एक दोस्तों ये कबूतर है अपना सफ़ेद, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। तो ये दोस्तों अपना कबूतर है जो ऊपर से आसमान से नीचे आया, जो चले गए थे तीन ऊपर। और बाकी दोस्तों तीन दो कबूतर दोस्तों देख सकते हैं आसमान में काफ़ी कबूतर उड़ चुके हैं, क्योंकि मेरे अलावा बहुत से लोग कबूतर पालते हैं दोस्तों। उन्होंने कबूतर उड़ा दिए और सब कबूतर एक साथ उड़ने लगे हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोबाज पट्टा फिर दोबारा ऊंचा हो चुका है तेज़ी कर करके। और वो देख सकते हैं दोस्तों तीन कबूतर उड़ चुके हैं और तीनों कबूतर दोस्तों अपने हैं, कुछ दूसरों के हैं तो कुछ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मेरे को सिर्फ अपना दोबाज कबूतर दिखाई दे रहा है, वाइट में मेरे को पहचान नहीं हो पा रही है कि कौन सा अपने कबूतर है, क्योंकि बहुत लोगों ने कबूतर उड़ा दिए उसको देखने के बाद, क्योंकि सब उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है पहली उड़ान है और अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। और इस तरह के दोस्तों उड़ता है तो काफ़ी टाइम करेगा और हो सकता है टाइम दोस्तों बढ़े भी, क्योंकि बहुत प्यारी उड़ान से उड़ान हो रही है दोस्तों और पहली उड़ान है। और मैं नहीं चाहूँगा दोस्तों कि इतना अच्छा कबूतर जो अब पहली उड़ान में इतना बड़ी उड़ रहा है दोस्तों, जगह पर उड़ रहा है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों अपन इसको उतारेंगे, मगर उतारेंगे दोस्तों तब जब कबूतर के साथ पूरा मिल चुका होगा। अगर मैं दोस्तों कबूतर उतारता हूँ और अपने कबूतर खोलता हूँ तो दोस्तों मेरे कबूतर जल्दी उतर जाएंगे और ये ऊपर रह जाएगा, तो वो गलती हम नहीं करेंगे दोस्तों। इनको मिलने का इंतजार करेंगे कबूतर के साथ में और फिर उसको दोस्तों साथ में ही उतारते हैं। दोस्तों दिखाई दे रहे हैं आपको तीन कबूतर और कोशिश करता हूं आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं उतरने के बावजूद, नीचे उतरने के बावजूद फिर ऊंचे हो गए दोस्तों। तो कराते हैं रूबरू दोबाज से, जो नया पट्टा दोबाज है दोस्तों, और देख सकते हैं दोस्तों ये दोबाज पट्टा उड़ रहा है, ये उड़ रहा है दोस्तों, और बहुत ही जावाज तरीके से उड़ रहा है दोस्तों। कह सकते हैं नया कबूतर है और पहली उड़ान है और घर का पट्टा है, दसवीं क्लिक क्रॉस कर रहा है और वो भी पूरी तरीके से प्रॉपर आ ही नहीं है दोस्तों, और सिर्फ चेक करने के लिए दोस्तों अपन ने उड़ाया था और उस हिसाब से दोस्तों जिस हिसाब से उड़ रहा है दोस्तों। तो मैं जानता हूं कि दोस्तों बहुत ही प्यारी उड़ान देगा और बिंदास उड़ेगा दोस्तों, देख सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहली उड़ान इसकी कैसी है और जो मेरे दोबारा पट्टे निकले हैं उनका रिजल्ट क्या रहेगा इस हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपको कमेंट का भी इंतजार रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक भी करना और मुझे फॉलो भी करना दोस्तों, क्योंकि आपके एक फॉलो से दोस्तों आपके इस दोस्त को वीडियो बनाने का एक अच्छा सब्जेक्ट मिलता है और आपको नई वीडियो दिखाने का मेरा मन भी करता है दोस्तों, क्योंकि वह पूरा दोस्तों पब्लिक और आपकी प्यार से मैं इस वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों जैसे ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों वो वैसी ही वीडियो आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कहीं कैसी भी एडिटिंग नहीं करता हूँ दोस्तों, और आपको रियल दी वीडियो दिखाता हूँ। ये भी लाइव वीडियो दोस्तों जो आपको दिखा रहा हूँ, नया कबूतर है, आपको निकाल के उड़ाते दिखाया भी है और अभी भी देख सकते दोस्तों उड़ ही रहा है और उतरने का कोई नाम नहीं है। तो अभी अपन वीडियो को पॉज कर करके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं जब नीचे आने की कोशिश करेगा, जब आपको वीडियो दिखाएंगे और उसमें एक नया कबूतर जो है अपन पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और
जब तक वीडियो दोस्तों वीडियो करते पॉज और फिर आगे आपको वीडियो दिखाते हैं जब कबूतर नीचे आ जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं नीचे आ चुका है दुबाज पट्ठा और देख सकते हैं और नीचे तेजी भी करने लगा है। तो दोस्तों कबूतर खोलते हैं और उसको उतारते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं उड़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि अब नीचे आने पर इसको उतारना ही पॉसिबल रहेगा, क्योंकि अब भटक जाएगा दोस्तों। जितनी उसको उड़ान उड़ना थी दोस्तों उड़ ली है, और ये तीन कबूतर हैं दोस्तों वाइट वाले जो उड़ गए हैं, और इन सेट के नीचे दोस्तों आ चुका है, ये आ चुका है। तो उतारते हैं दोस्तों कबूतर, खोल के फिर दिखाते हैं आपको। जी आ चुका है दोस्तों, और काफ़ी तेज़ी कर रहा है। तो दोस्तों इसको उतारते हैं नीचे और दिखाते हैं आपको तो कैसी इसकी हालत है। और दोस्तों पहली फटक उसने करीबन दोस्तों डेढ़ घंटे की रखी है, और डेढ़ घंटे से इसी तरीके से उड़ रहा है, और वीडियो के ऊपर ने कर दिया दोस्तों पॉज, और ही आ चुका है नीचे दोस्तों। ये आ चुका है दोस्तों छत पर, और दोस्तों उसको यहीं बिठालते हैं। और जो नया कबूतर दोस्तों उड़ रहा है वो इन कबूतरों के साथ में उड़ रहा है, दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ये तीन सफेद कबूतर उड़ रहे हैं। तो कहाँ जा चुके हैं दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये तीन कबूतर हैं दोस्तों, ये कबूतर के साथ में उड़ रहे थे, दो अपने थे किसी और एक किसी और का है दोस्तों। तो ये अपने आ चुके हैं, और एक कबूतर दोस्तों अपना काफ़ी बूंद में है, जो लाल चीना था वो उतरे नहीं है, उसको छोड़ते हैं दोस्तों, इनको उतारते हैं और बंद करते हैं कबूतर को, क्योंकि अपना दुबाई पट्ठा दोस्तों उतर चुका है, और उतार के इसको आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कबूतर खोलते हैं और उसको उतारते हैं दोस्तों नीचे। दोस्तों देख सकते हैं कबूतर खुल गए, और ये आ चुका है दोस्तों नीचे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं ये उतर चुका है दुबाज पट्ठा अपना, ये अभी ये दोस्तों ये दुबाज पट्ठा है जो मैं उड़ा था अपना। तो दोस्तों बाकी कबूतर उतारते हैं और दिखाते हैं उसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं वो नया कबूतर भी इन्हीं कबूतरों में उड़ान कर रहा है दोस्तों, और अपन उतारते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अपना कबूतर नीचे आ चुका है, और ये क्योंकि तो दोबारा पट्ठा अपना पहले बैठ चुका है, और ये सब कबूतर उतारने पर है दोस्तों। दोस्तों पहली उड़ान बहुत अच्छी रही, और ये आ चुके हैं अपने कबूतर दोस्तों, जो अपन ने ये सारे दोस्तों नए पट्ठे उड़ाए, क्योंकि दोस्तों अभी इनकी उड़ान कम है, तो उड़ान कम वाले कबूतर ही दोबाज कबूतर साथ में डाले हैं मैंने उड़ने वाले। और दोस्तों दो कबूतर दोस्तों ये है जो आसमान में लगे हुए हैं और उतर ही नहीं रहे दोस्तों, तो इनको उड़ने देते हैं। बाकी दोस्तों अपन उस पट्ठे के बारे में बात करते हैं जो उड़ के आया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इसकी उड़ान, और कैसी रही दोस्तों, क्योंकि ये जो पट्ठा है ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पट्ठा है, ये पट्ठा उड़ के आया है दोस्तों। और दोस्तों ये पट्ठा मादी है और 10वीं कली पास कर रही है, तो कैसी रही उड़ान इसकी और किस तरीके से उड़ा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के दोस्तों बाय और सत श्री अकाल दोस्तों, और ऐसे ही दोस्तों प्यार बनाए रखना, और एक लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो। और ये जरूर बताना दोस्तों कि इस बार की लॉफ्ट के बच्चे जो निकले हैं दोबारा वो कैसे उड़ेंगे, क्योंकि अभी एक पट्टे की उड़ान अपन ने एक पट्टे की उड़ान करी है, और बाकी पट्टे पर नहीं उड़ाए। और ये पहली उड़ान थी दोस्तों, तो पहली उड़ान में बहुत अच्छा उसने रिजल्ट दिया और जगह पे आया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।